प्रशांत पाल हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतरा है और इसके साथ ही पूर्व मंत्री इमरती देवी खुलकर मैदान में आ गई हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री इमरती देवी मृतक प्रशांत पाल के शव को लेकर थाने पहुंच गई। थाने में पुलिस प्रशासन का विरोध किया। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने थाने का घेराव करते हुए SDOP से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि डबरा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और लगातार लूट, हत्याएं और डकैती जैसी घटनाएं सामने आ रही है। तो जानकारी के अनुसार ग्वालियर के डबरा शहर के जवाहर कॉलोनी का रहने वाला प्रशांत बघेल बीती रात अपने घर के बाहर ही खड़ा था। उसी दौरान बाइक से आए 5 लोगों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जहां हमलावरों ने करीब 10 से ज़्यादा गोलियां चलाई। इस हमले में प्रशांत को 3 गोलियां लगे, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल प्रशांत को डबरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। कि हम तो बर्बाद हो गए और हमारे को नाती को मारने वाले भी बर्बाद हो जाए, तो हमारी आत्मा में सब तसल्ली होगी कि कुछ कार्रवाई हुई। क्या लगता है पुलिस से अब तक किस तरह का आश्वासन? पुलिस के ऊपर निगाह है कि अगर ये कुछ करें तो आरोप। मैं जो है जनसंघ के टाइम से पार्टी में हूँ, जनसंघ के टाइम से, और आज इतने साल हो गए और मैंने ऐसा अन्याय नहीं देखा कभी। बेखौफ बन लगातार हो रहा है, अपराधी बेखौफ है, बेखौफ है। डबरा में इतना आतंक मचा है STI के रहते हुए, हद से ज्यादा। और जी तो हमारा बच्चा बेटा पढ़ लिख रहा, तो डबरा में रहकर रहने वाले विराट के हैं, गोपाल पटेल के बघेल के जी के लड़का है, नाती उनके बड़े लड़का का बेटा। और ऐसे हम जैसे लोगन के बच्चन को रोड पे मारा जाएगा तो हम डबरा में जिंदगी कैसे रह पाएंगे? हम लोग कैसे डबरा में रहे? पुलिस वालन की कहीं से कहीं तक हमारा लड़का जो जवान लड़का ख़त्म हुआ है 25-26 साल का, ग्वालियर से एक चाहे PSP हो, चाहे एडनल SP हो, चाहे IG, कोई भी डबरा की तरफ ना TI भी थाने में नहीं था। डबरा में कल शाम को एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उसमें घायल भी हुआ था। इसमें प्रारंभिक तौर पे जो प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था उसमें 5 आरोपियों को नामजद किया गया था और उसमें से एक आरोपी को अभी जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश में अभी पुलिस है और बहुत ही जल्दी हम